400 गाड़ी है तो 800 आदमी बेरोजगार बैठे हैं, कोई धंधा नहीं है, मतलब और कोई मजदूरी नहीं है, अभी घर घर से ही वो मत हो रहा है, ऐसी हालत है। बीकानेर जिले में रोल्टी ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली हो रही है। समस्या आई आ रही है कि भाई मन मर्जी ने साहब पैसा ले रही है, अभी तो पैसा दे तो माने की बच्चे भी कौन है। और 22 चक्कों की रोल्टी है 3,850 रुपए, इनसे 11,000 रुपए ले रहे हैं, ये बड़ी लूट है, इसके खिलाफ ये अब क्या करें। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का IAS, IPS, RAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाए अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम, नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सब पहले तो जो व्यू है वो व्यू देखो कि कितना ट्रक है एक साथ है खड़ा है। बीकानेर में औद्योगिक क्षेत्र में मानू या फिर संभाग मुख्यालय क्षेत्र मांगू, सभी चीजा है जो बीकानेर जिले में संबंधित है ही जगह, यानी कि पूरे संभाग क्षेत्र में असर पड़े, अगर बीकानेर क्षेत्र में कोई असर पड़ रही है तो। आज मैं खड़े हूँ लाखूसर गांव में, लाखूसर गांव में मायने में खड़े हूँ, तो आज कई दिक्कत है और समस्या कई है कि इतना ट्रक ऑपरेटर थे, देखो चारों पास ये व्यू देखो जितना है टोटल ट्रक ऑपरेटर है, और ट्रक ऑपरेटर इस जगह क्यों खड़ा है और कई दिन सुहारा ट्रक है जो बंद है, बतायो जावे कि अवैध वसूली री वजह और जो भी माइनिंग में जबकि समस्या आ रही है, इस समस्या ने लेर ए लोग है जगह खड़ा है, रॉयल्टी संबंधित कोई मुद्दों है। तो पहला है लाखू सरू सरपंच साहब, राम राम साहब। राम राम सर। तब थे हर के नी लेटर पेड पर लिखकर दे चुके हो। के लिखे हो भी बताओ। बीकानेर जिले में रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली हो रही है, के संबंध में आवाज उठाई आज हूँ, पहला या अभी बंद पड़े है। आवाज उठाई मैं छठे महीनों छः चार हमने टेंडर हो नहीं रोल्टी ठेकेदार द्वारा बी टेम इतना सगलन गाड़ी वाला और सब खड़ा हो गया, बाद में ज़्यादा गाड़ी वाला अरे कूड़ो झांसो दे 1,015 रुपया अरे छोटी गाड़ी वाला ने सगलन निकाल दिया, बड़ी बड़ी गाड़ी वाला ने वसूली दे रही वापस। वसूली को थोड़ा सा बताओ कि कितनी वसूली ले जावा था और हकीकत में रॉयल्टी कितनी है। रॉयल्टी 700 रुपये ले रही है, 7,000 लिख रही है रॉयल्टी पर्ची में, 700 रुपये और 7,000 ले रहे हैं, 1,100 रुपए लिख रहे हैं और 11,000 रुपए ले रहे हैं। कोई सबूत भी है ये बात? सबूत है, सबूत सबको दे हुए, कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को और सभा के आयुक्त को, सबको सबूत दिए हुए। बाकी आश्वासन दियो सर। आश्वासन दियो सर। कहीं की हो? हम 24 तारीख को यहाँ लखूसर गांव के अंदर पधारेंगे। 24 तारीख को। अच्छा ठीक है, तो अभी ट्रक की संख्या कितनी है लखूसर गांव में? कम से कम 400-500 ट्रक है। 400-500 ट्रक बंद पड़े हैं? बंद पड़े हैं। तो लगभग कितनी संख्या में लोग मानो थे? कम से कम 700-800 आदमी। लाखू सर में अभी ए जो मतलब देख रहे हो थे और ट्रक है जा, ये सारे ट्रक इस जगह गए है और जगह गए? लाखू सर, जाल वाली, काला सर और खाजू वाला। अच्छा ये चार जगह हुए? चार जगह हुए सर। हाँ। तो मतलब जो अवैध वसूली है तो मंत्री मोदी ने या कोई बातचीत करी? मतलब मंत्री जी मोदी जी ने बातचीत करी है अभी। हाँ। वो चला रहे है, इधर दो मंत्री है इसका ये ठेका ले रखा है DGTP। तो पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, बहुत सा लोग हैं। मतलब क्या समस्या हो था ना? सही समस्या सबसे बड़ी आ रही है कि रॉयल्टी के अंदर ठगी मारी हो रही है हमारे साथ, जो भी बड़े लोग हैं उनकी गाड़ियां चल रही है उनसे रॉयल्टी कम ले रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं सिंगल मोटर मालिक हैं उनसे रॉयल्टी दुगनी या तिगुनी ले रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, जो भी बोलते हैं उसकी गाड़ी को माइनिंग के अंदर सीजो करवा दिया जाता है या RTO से पर्ची कटवा दी जाती है, इसलिए सिंगल मोटर मालिक का बहुत दबा हुआ है। अच्छा, तो मतलब इनको सबूत भी है? हाँ बिल्कुल सबूत है। हाँ। बिल्कुल सबूत है, उनका लिखित में दिया हुआ है। लिखित में दे रहे हैं, जो टोकन दे रहे हैं उस पे रुपए लिखते हैं 600 रुपए और गाड़ी वाले से ले रहे हैं 6,000 रुपए। अच्छा, ये भी लिखित में है। हाँ। और अभी 5-4 दिन से गाड़ी रोकने के बाद में बोल रहे हैं हम रोल्टी रोना कुछ नहीं देंगे। हाँ। जो भी रिस्क है कोई भी रुकवाएगा वो आपकी है। हाँ। और पहले जब रोल्टी चालू की थी तब उसे उन्होंने बोला था कि कोई भी अगर हम 6,000 रुपए लेंगे आपको रोड पे कोई भी रुकवाएगा तो अपन छुटवाएंगे। अच्छा, अब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर 6,000 रुपए लेते हैं और गाड़ी वाले को बोलते हैं आपकी रिस्क है आप जा जाओ वहाँ जा सकते हो। एक पहले एक वीडियो वायरल हुई पिछले साल, तो मतलब इस प्रकार की है मतलब कंडीशन? हाँ इसी प्रकार से कंडीशन। और मतलब कितनी जगह वहाँ बातचीत हुआ है?
लम सम मान लो लागसर से काला सर से बिंजराली से और मोतीगढ़ से जालवाल से गाड़ियां खड़ी हैं लम सम 10 दिन हो चुके हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और मतलब और के स्रोत है, मतलब बजरी के अलावा, मतलब बजरी भरो या और भी कुछ चीज भरने का लोड करने रहे? बजरी है, बल्ड है, कांकर है, सब में ये सिस्टम है। तो टोटल में आई टोटल में ये अगर और रोजगार अगर बंद हो गया तो फिर कौन, मतलब और कोई रोजगार है? नहीं, हमारे यहाँ बिरानी गांव है, बिरानी क्षेत्र है, इसमें और कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, बिरानी क्षेत्र अगर बरसात होती है तो बरसात पर निर्भर है, बरसात यहाँ होती नहीं है। और बजरी है जो मतलब गंगानगर क्षेत्र में भी जावा है या सिर्फ बीकानेर बीकानेर में ही रहे? नहीं, बजरी है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सब जिलों में जाती है। अभी मकान क्यों बना है फिर? वो मकान वालों की परेशानी हो रही है, गाड़ी वालों को भी फोन कर रहे हैं, लेकिन अभी देखो गरीब आदमी है, वो बजरी का भाव अभी अनूपगढ़ 100 रुपये मांग रही है। अनूपगढ़ में 100 रुपये है? अमूमन अनूपगढ़ में 100 रुपये। थाने के लग रही है, माने से लग रहा है, इसमें लूट खोस बहुत हो रही है। ये रोल्टी 38 रुपए 50 पैसे टन है, लेकिन हमारे से 120 रुपए टन ले रहा है अभी। अच्छा, 120 रुपए की रोल्टी हम उधार देंगे तो हमारे को कुछ नहीं बचता, इसलिए हमने घटा रोल्टी खरीद ली। गाड़ी की किस्त कितनी है? गाड़ी की किस्त है हमारी, कोई की 70,000 है, कोई की 90,000 है, कोई की 50,000 है, 40,000 से नीचे एक ही नहीं है। तो अभी हमारे को एक गेड़ा खाली कराते हैं तो 1,000 रुपए सामने आता है पाचा। अच्छा, मतलब 1,000 रुपए सामने आ रहे 1,000 रुपए, इसलिए हमने गाड़ी यहाँ रोक दी। और क्या करे, बैठे हैं और ये सब ताला साइड है। अच्छा, तो ये दोनों मिलके थोड़ा लालच देके हमारे को रवाना कर देता है, फिर पीछे से माइनिंग को फोन करके गाड़ियों को स्विच करा देते है। एक गाड़ी स्विच करने पे 3,00,000 रुपए लगते है। तीन लाख रुपया और 3,00,000 रुपए देने के हमने 10 गाड़ी छोड़ी, लेकिन 3,00,000 रुपए बचते ही नहीं, कहाँ से छोड़ेंगे गाड़ी, इसलिए हमने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। कितना दिन हो गया लगभग? ये 14 तारीख की बात है, 14 तारीख की गाड़ी खड़ी करी और आज 23 तारीख है, 400 गाड़ी है, तो 800 आदमी बेरोजगार बैठे, कोई धंधा नहीं है, मतलब और कोई मजदूरी नहीं है, नहीं रास्ता निकला तो ऐसे मर जाए। कलेक्टर पर है? हाँ, कलेक्टर पर। अगर 1-2 दिन में समस्या का समाधान हो गया, अगर नहीं हुआ तो हम रोड बंद करेंगे। रोड मतलब कलेक्टर जाने को मतलब कर रखे थे? हाँ, जाने के कर रखे, अभी पहले नूर सिर्फ फांटे पे यहाँ रोड बंद करेंगे और बाद में कलेक्टर के पास जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो आश्वासन लगा कि आश्वासन मिल जाएगा, कौन मिले? अब मिलने को तो जावा मिल सी तो सब मोटा ट्रक ऑपरेटर थे। नहीं, सबसे मोटा तो कौन है? हाँ, कोई बात कौन है, मारा तो दूसरे के नहीं उद्देश्य कौन ठेस पहुंचाने रहो, मारी मांग आई है भाई, मारी वाजिब रोल्टी हुए और मारी गाड़िया रवाना हुए, बस अपना समस्या कहीं आ रही है? समस्या आई आ रही है कि भाई भाई आवर मनमर्जी ने साहब पैसा ले रही है, तो पैसा दे तो माने की बच्चे भी कौन है, तो माने पोसा हुआ कौन है? एक ट्रक खड़े हो, मान लो वो ट्रक खड़े हुए, ये ट्रक की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए? अब ट्रक की रोल्टी यार वाजिब 3,000 तो होने चाहिए, 2,000 हो, 2,500 हो, अब लिखे 500 रुपया बटे 5,000 है, 600 लिखे बटे 6,000 है, जितना लिख दे भी हूँ बिता गुणा बेसिक, मतलब ज्यादा हो गया, मतलब 1,0 ज्यादा लाग जाए। हाँ, 1,100 है, जगह 11,000 है, कितने पूछ लो, सब ने वही एक ही मतलब है। थारा कितना ट्रक है? मेरे को 6 गाड़ी है। 6 गाड़ी है, दिन में 6 गाड़ी अगर लोड हुए तो लगभग थारा मतलब 36,000 रुपया ज्यादा हो गया हिसाब में। हाँ, 100 रुपया जगह माने 900 रुपया एक्स्ट्रा लाग रही है, देख लो मैं 600 लेकर देवा जन 6,000 ले मारे आडा फ्रा मांगो 6,000 रुपया ले और 600 रुपया लिखकर देवे, अब देख लो आपने आवरी बात है कि मारते तो ही कहना है। देखो, ये ट्रक ऑपरेटरों का जो लगातार कहीं है कि जो भी ठेकेदार रहा है माइनिंग का, इन्होंने इनके साथ लूट की है। जैसे हमने 2013 से 18 आंदोलन चलाया, उस टाइम नेता प्रतिपक्ष वो आए हमारा समझौता कराने के लिए, और समझौते के अंदर उन्होंने कहा कि जो मांगे इनकी मांग मानी उन पे वो आज ठेके उनके परिवार के हैं, लेकिन वो उस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। इसी तरह हम 19/4 को शाम को जिला कलेक्टर महोदय और संभागीय आयुक्त के घर पे मिले, जिसमें हमारे साथ थे डूंगराम जी पूनिया, संपत देदड़ और ये हंसराज कसवा और रामेश्वर सुथार, इन लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल हमने संभागीय आयुक्त साहब के घर पे मिले। तो उन्होंने कहा कि भी बीकानेर जिले के अंदर जो अवैध वसूली हो रही है, इसके अंदर जो एमई है वो ऊपर से पावरफुल आदमी है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है, हम इसकी रोकथाम करने के लिए कोशिश करेंगे, आप डटे रहो, आपका सलूशन होगा। तो ये 5-7 दिन से ट्रक ऑपरेटर है जो खड़े हैं, अपनी दाढ़ी मर रही है इनकी मतलब किस्तें ड्यू हो रही है, ये किसी राजनेता का ध्यान नहीं है इसकी तरफ। हमारे राजनेता है यहाँ के मंत्री महोदय, वो सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भी आप 5-7-10 दिन रुको,
रुकने के बाद आपका कोई रास्ता निकालेंगे। जैसे अभी अवैध वसूली की बात कर रहे हैं तो 10 टका का वैध कहीं अगर रॉयल्टी है 1950 रुपये और इनसे ले रहे हैं 6000 रुपये, वैसे ही 6 चक्कों की रॉयल्टी है 1105 रुपये इनसे ले रहे हैं 4000 रुपये और 12 चक्कों की रॉयल्टी है 2310 रुपये 7050 रुपये इनसे ले रहे हैं और 22 चक्कों की रॉयल्टी है 3850 रुपये इनसे 11000 रुपये ले रहे हैं। ये बड़ी लूट है, इसके खिलाफ ये अब क्या करें? रोड पे चले तो आईटीओ से बंदी, माइनिंग वाले पहले ही बंदी काट के इनको कहीं छोड़ देते हैं, तो अब इनके कुछ बचता तो है नहीं, इसलिए इन्होंने खड़े कर दिए कि कम से कम कहीं कहें पुलिस प्रशासन की लूट, आईटीओ की लूट, और वो तो कम से कम नहीं होती। जो तेल बढ़ा है इस महंगाई के दौर के अंदर, जो तेल 100 रुपये के पार निकल गया है, अब ये ट्रक चलाना इनका मुसीबत हो गया है। वैसे ही बहुसंख्यक गाँवों के प्रायकर ये किसानों के लड़के ही हैं, जो कहे हैं कि खेती के अंदर कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ट्रक का धंधा अपना लिया, भाई अपना रोजगार कर रहे हैं, तो उनके पर वही किसानों वाली मार इन पे पड़ रही है। मैं लूट मचा रखी है। 2018 में आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लोगों ने नाके लगाए, मुकदमे हुए, उसके बाद प्रशासन और नेता प्रतिपक्ष जिला कलेक्टर के सामने धरना चला, उसके सामने आए। आज इन सबसे बैठ के इन्होंने ये फैसला किया है कि आंदोलन को बीकानेर जिले के अलावा गंगानगर के अंदर भी इसको कहीं है कि लोग इनको बुला रहे हैं, तो उन लोगों से भी ये संपर्क कर रहे हैं कि भी अगले आंदोलन की रूपरेखा के तौर ये रायसर जो बाईपास है वहाँ पर भी एक नाका लगाएंगे, उसके बाद जोधपुर हाईवे पे गए कि ये नाका लगाएंगे, ऐसे करके पूर्ण रूप से जो ये अवैध वाहन चल रहे हैं, अवैध माइनिंग हो रही है, उसको रोकने का काम ये ट्रक ऑपरेटर करेंगे। इनके साथ जो प्रशासन सहयोग कर रहा है वो काबिले तारीफ है, धन्यवाद है कि प्रशासन ने थोड़ा स्टिक होने के कारण ये अवैध वाहन 3-4 दिन से गए हैं कि एकदम बंद हुए हैं, लेकिन ये रात को चोरी छुपे कुछ वाहन निकल रहे हैं। वैसे ही हमारे सभी साथियों ने ये 5 सूत्री जो मांग पत्र दिया है इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि 38 रुपये जायज रॉयल्टी होती है अंडरलोड की और ये ले रहे हैं 120 रुपये रॉयल्टी ओवरलोड की, और अंडरलोड भरने के लिए जब इनको कहते हैं तो ये अंडरलोड भरते नहीं है, ये कहते हैं ओवरलोड भरो, ओवरलोड भरोगे तभी 120 रुपये इनको देना पड़ता है मजबूरी, जब ओवरलोड भरते हैं तो इनको कहें कि परिवहन वाले इनको पैसे लेते हैं, पुलिस प्रशासन पैसे लेते हैं, और फिर कहें कि इनका डर रहता है 2 लाख रुपये चलान का माइनिंग के एमई का, तो ये सारा डर इनके अंदर पैदा कर रखा है, जिससे लंबे टाइम से ये लूट है इनके खिलाफ चल रही है। इसलिए इन्होंने फैसला किया है कि यहाँ लाखूसर के अंदर बैठ के और बीकानेर जिले के ऑपरेटरों को जोड़ने के बाद हम जिला हेडक्वार्टर पर कहीं इस आंदोलन को ले जाएंगे, जिससे ये आंदोलन गति पकड़ सके और लोगों के अंदर जो हमारी लूट हो रही है लंबे टाइम से, जैसे हमने बताया कि 2013, 2018, 2021 को अभी पीछे लखासर टोल नाके पर भी कुछ ऑपरेटरों ने बैठ के वहाँ धरना दिया, लेकिन उनकी बात सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि वो संख्या में कहीं कम थे तो उनकी सिरे नहीं चढ़ी। लाखूसर का एक अलग दर्जा है कि लाखूसर के अंदर बहुत ज़्यादा वाहन है और ये जो लगभग लाखूसर के आजू बाजू 4-5 गांव हैं उनके भी वाहन है, तो ये इकट्ठे होने के बाद यहाँ 300-350 वाहन इन गाँव का हो जाता है। इसलिए इन लोगों का हौसला बढ़ा है इन माइनिंग माफियाओं के खिलाफ कि अब इनसे लूट हम नहीं कराएंगे और इस आंदोलन के आगे घोषणा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर रायसर फांटा नोखा हाईवे पर ये शुरू करेंगे और बच्चासर से तरफ जो माइनिंग आती है वहाँ पर भी कहीं के बैठने का कहीं कार्यक्रम रखेंगे, जिससे हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको स्ट्रिक्टली ले, इनकी वार्ता कराएं, अन्यथा ये आंदोलन अशांति पैदा ना करे बीकानेर जिले के लोगों के लिए, समय रहते हुए इनका समाधान हो जाए। मैं अखिल भारतीय किसान सभा जेठाराम लाखूसर, तो हमसे यही गुजारिश करते हैं हमें सरकार से कि हमारा सब जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निवारण करे। हमारे यहाँ पे सभी किसान भाई हैं, हमारा और कुछ कोई धंधा नहीं है, सिर्फ गाड़ी ऑपरेटर का धंधा है, इससे हमारा घर बार चलता है सारा कुछ, और कोई धंधा नहीं है हमारे पास। तो ये गाड़ियाँ अगर जो ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन रुकती है तो हमारे ऊपर बेरोजगारी का ठप्पा लगेगा, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं रखता हूँ इस ड्यूटी टोल की, ड्यूटी टोल ने क्या कर रखा है, सिर्फ 120 रुपये की पर्ची है और महज गाड़ी चलती है 15 किलोमीटर रोड पे, और रोड पे 15 किलोमीटर का 620 रुपये टोल लेते हैं हमसे, ठीक है, 620 रुपये टोल लेते हैं, और दूसरा टोल 10 किलोमीटर आगे बाईपास का टोल है,
वहाँ पे सिर्फ 7 किलोमीटर गाड़ी चलती है और 7 किलोमीटर के अंदर 550 रुपए का टोल रखा हुआ है। तो ये टोल वाली थोड़ी समस्या है, तो कृपा करके इस टोल का और समझौता करें। ठीक है, रात हारे सामने सारा रोजी रोटी घुस रही है, हर घर पर प्रभाव पड़ रही है, 4000 रोटी हर घर पर रोल्टी अवैध वसूल ले लिया, गाड़ी वालों अवैध वसूल लिया, डीजल का ये भाव है वो काटे ग्राहक पर है, हर घर पर 4000 रुपया प्रभाव पड़ रही है प्रति गाड़ी। अच्छा, महीने के मियाँ अमूमन कमाई कितनी है अगर सही तरीका में चले तो? कम गाड़ी में क्यों कौन किस तिदोरी काटे, यहाँ रहने वाली परिस्थिति में घरों हालात ही डीजल का ये भाव हो गया, आसमान सूर्य है परिस्थिति है। और लगभग अठे ट्रकों की संख्या कितनी है इस जगह? ये जगह ट्रकों की लगभग 400 क्रॉस है। अच्छा, और जो काफी लोग बहुत ज्यादा हैं, ये लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, आगे एक आवाज उठाने मैं आयो, आवाज उठाने की पूरी है जो कोशिश करी है, तो थाने का ही विचार है थारो कमेंट के जरिए माने जरूर बताया कि का ही विचार है, और आगे सिर्फ और सिर्फ एक दर्द बयान करने की कोशिश करी है। 7-8 दिन मैंने हो चुका है, एक लाइन में ट्रक है जो टोटल खड़ा है, बस थे देखते रहिए जलको बीकानेर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।